35 पर बीजेपी और 27 पर कांग्रेस आगे चल रही है। यहाँ पर लीड बीजेपी ने ले रखी है 37 सीटों पर, जहाँ बढ़त बनाए हुए बीजेपी, और 29 सीटों पर कांग्रेस यहाँ पर आगे चल रही है। लेकिन लगातार अगर अलग अलग सीटों की हम बात करें, ना सिर्फ जयपुर, पूरे राजस्थान की ये तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है जहाँ शुरुआती तौर पर, और जब शुरुआती तौर पर जिसके लिए अच्छी खबर होती है वो थोड़ा सा और सकारात्मक होता है और लगता है कि ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, लेकिन बदलाव भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये अपडेट हो गया आंकड़ा, बीजेपी देखिए 50 सीटों पर आ गया, कांग्रेस 35 सीटों पर, और कुल 85 सीटों का रुझान आ रहा है। और ये रुझान वाकई में कांग्रेस को चौंकाने वाला है, क्योंकि कांग्रेस ने ये उम्मीद नहीं की होगी कि जिस तरीके से ओपीएस को लेकर आए उसके बाद इस तरीके की तस्वीर सामने आएगी। क्योंकि योगेश जी, ओपीएस के मुद्दे पर बाकी राज्यों के अंदर कांग्रेस ने चुनाव जीता है, अगर राजस्थान में उसका फायदा नहीं होता तो एक बड़ा बड़ा सवाल खड़ा होगा ओपीएस को लेकर। योगेश जी देखिए, अभी विजेंद्र गिनती जारी है, कहना जल्दीबाजी है, रुझान है, और रुझानों में जिस तरह का ये आपको लगता है कि ऊपर उतार चढ़ाव आगे देखेंगे। बिल्कुल, और इस बीच अहम खबर, क्योंकि देखिए राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, साथ ही साथ एमपी छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस यहां पर लीड कर रही है रुझानों में, लेकिन राजस्थान की भी अलग अलग सीटों पर नजर डाले, कहां से कौन आगे चल रहा है तो वो भी हम आपको बता दें। लेकिन ये आंकड़ा 52 पर पहुंच चुका है बीजेपी के लिए, 36 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है तो 52 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है राजस्थान में। वही छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस 20 पर है तो बीजेपी 18 पर है, तेलंगाना में कांग्रेस 15 पर है तो बीआरएस 12 पर है, बीजेपी का यहां पर खाता नहीं खुला है। लेकिन राजस्थान जहां पर सबकी नजरें हैं, बेहद अहम राज्य, 199 सीटों में 89 पर तस्वीर रुझानों में साफ है, जहां 47 पर बीजेपी और 36 पर कांग्रेस, और अब लगातार देखिए आंकड़ा बढ़ रहा है, 52 पर बीजेपी, 36 पर कांग्रेस, और ये 199 सीटों का तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। योगेश जी, केकड़ी से रघु शर्मा आगे हैं। बिल्कुल अपडेट हो गया, देखिए बीजेपी 47 पर आ गया, कांग्रेस 36 सीटों पर आ गया, हालांकि कुछ सीटें ऐसे भी सामने आ रही हैं जिनमें निर्दलीय आगे चल रही हैं। लेकिन योगेश जी, जिसका आप जिक्र करें कि ये शुरुआती रुझान है, इस वक्त टाइम हो गया है 8:17, लगभग 20 से 25 मिनट बैलेट पेपर की काउंटिंग होती है, और अगर उसमें बीजेपी लीड कर रही है तो कम से कम बैलेट पेपर की सीटें तो स्पष्ट होती चली जाएगी। ये बात सही है आपकी, और खासतौर पर यहाँ पर यह भी रुझान पता लगेगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का मनोमस्तिष्क क्या कह रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, केकड़ी से डॉक्टर रघु शर्मा आगे हुए हैं, जिस तरह के रुझान है शुरुआती। बिल्कुल, और 54 पर बीजेपी, 40 पर कांग्रेस, ये आंकड़ा रुझानों पर अभी फिलहाल नजर आ रहा है। हालांकि थोड़ा ऊपर नीचे भी ये आंकड़े यहाँ पर चल रहे हैं, 46 पर बीजेपी, 37 पर कांग्रेस है। देखिए, क्योंकि लगातार रुझानों पर जैसे जैसे आगे बढ़ रहे, काउंटिंग आगे बढ़ रही है, ये नंबर्स भी ऊपर नीचे होंगे, क्योंकि आगे जैसे परिणाम आएंगे, कभी किसी को बढ़ा तो कभी कोई पीछे। हालांकि अभी ये बैलेट पेपर की काउंटिंग है, और उसके बाद ईवीएम जब खुलेगी तब तेजी के साथ आंकड़े बढ़ेंगे भी, बदलेंगे भी। लेकिन फिलहाल कुछ कह रहे हैं, सुनिए, इस प्रकार की संख्या में परिवर्तित होगी बीजेपी, कितनी संख्या आप मान रहे हैं आप लोग? जो मैंने पहले बताई थी आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये सीपी जोशी को आप सुन रहे थे, कह रहे थे इंतजार जरा कीजिए परिणाम को, 6 सीटों पर अन्य दलों ने बढ़त बनाई है, जिसका हम जिक्र कर रहे थे। इसका मतलब ये योगेश जी की बहुमत के आंकड़े में रुझान दिखाई देने लगा है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 199 में से 100 सीटों पर रुझान जो अभी तक है, 54 पर बीजेपी, 40 पर कांग्रेस और 6 पर अन्य, और ये उसी तरीके का प्रेडिक्शन है जिस तरीके का एग्जिट पोल में। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ने रुझान बताया है राजस्थान में। बिल्कुल, तो 54 पर बीजेपी, लेकिन 6 सीटों पर अन्य दलों ने यहाँ पर बढ़त बनाए हुए हैं। अब देखिए नजर डालते कि कहां से कौन आगे, पोस्टल बैलेट पेपर की काउंटिंग यहाँ पर शुरू हो चुकी है, और जिस तरह से काउंटिंग लगातार जारी है उसी आधार पर ये रुझान आगे आ रहे हैं। अजमेर में 3 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। चलिए जिलेवार पेपर नजर डाले, अजमेर की बात कर ले, अजमेर उत्तर, केकड़ी और नसीराबाद पर कांग्रेस आगे, केकड़ी जिसका जिक्र कर रहे थे अभी आप रघु शर्मा। बड़ी खबर है, वासुदेव देवनानी पीछे है यहाँ पर, अजमेर उत्तर से, ये बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर, यानी कांग्रेस यहाँ से आगे, नसीराबाद से शिव प्रकाश गुर्जर आगे चल रहे हैं, केकड़ी से रघु शर्मा आगे चल रहे हैं, और अहम सीट है यहाँ देवनानी की, को आपकी लोप करेंगे योजनाएं जो है वो असर दिखाएगी या फिर सनातन कार्ड? निश्चित तौर पे जन कल्याणकारी योजनाओं का जनता में असर है, और पिछले 5 साल कांग्रेस पार्टी ने, चाहे कोरोना काल हो चाहे दूसरे समय में, जनता की सेवा की है, और जनता इस बात को भूलेगी नहीं, जनता अच्छे रिजल्ट देगी। राजेंद्र जी, कोटपूतली में त्रिकोणीय मुकाबला था, ये आप सोचते हो त्रिकोणीय मुकाबला, कोटपूतली में हम चुनाव जीत रहे हैं सर, काफी संख्या में, काफी संख्या में निर्दलीय जीत के आ रहे हैं, इसी बात मेरे को नहीं लगता कि 10-12 से ऊपर निर्दलीय जीते।
क्या आपके संपर्क में रहेंगे सारे? नहीं, अब मेरे संपर्क में आएंगे तो वो आएंगे, उनको ले आएंगे, चिंता मत करो आप। देखिए रिएक्शन आनी शुरू हो चुके हैं, लेकिन जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, राजस्थान में बीजेपी 48 पर, कांग्रेस 37 सीटों पर आगे चल रही है और 7 सीटों पर अन्य दलों ने बढ़त बनाई है। अजमेर उत्तर से महेंद्र सिंह रालावत, नसीराबाद से शिव प्रकाश गुर्जर, केकड़ी से रघु शर्मा आगे चल रहे हैं, विद्याधरनगर से दिया कुमारी और झोटवाड़ा से राज्यवर्धन राठौड़, झालरापाटन से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आगे चल रही है। लगातार सीटों पर रुझान आना शुरू हो चुका है। वहीं अगर बात करें अन्य सीटों की, तो गढ़ी से निर्दलीय प्रत्याशियों को काउंटिंग स्थल पर नहीं मिला प्रवेश और इसकी वजह से दिक्कतें हुई। और इस वक्त का एक और बड़ा अपडेट, बिल्कुल बड़ा अपडेट ये, हालांकि अन्य दलों ने भी यहाँ पर बढ़त बनाए 7 सीटों पर, लेकिन राजस्थान में बीजेपी 46 और कांग्रेस 38 सीटों पर आगे चल रही है। 7 सीटों पर अन्य दलों ने बढ़त बनाए हुए, यानी लगभग करीब 90 के करीब सीट है जिन पर रुझान अभी सामने आ चुके हैं। बढ़त बीजेपी को है 46 सीटों पर, कांग्रेस 38 और 7 पर अन्य दलों ने बढ़त बनाए हुए है। इसमें निर्दलीय भी शामिल है, अन्य दल शामिल है, यानी 7 कई जो आंकड़ा उनके खाते में फिलहाल है। और एक और बड़ी खबर, जिस तरह से लगातार अपडेट यहाँ पर रुझानों में काउंटिंग के जरिए हो रहा है, ईवीएम मशीन का टेबल पर पहुंचना शुरू हो चुका है, यानी ये माना जाए कि अब बैलेट पेपर की काउंटिंग यहाँ पर लगभग खत्म होने को आई है, क्योंकि ईवीएम मशीन का टेबल पर पहुंचना शुरू हो गया है। तैयारी पूरी थी बिल्कुल श्वेता, और हमने वादा किया था कि सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाएंगे। देखिए जरा ईवीएम के लोग को खोला जा रहा है और ये सबसे पहले तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है। अब जरा रिकॉल कीजिए, हमने बैलेट पेपर की श्वेता सबसे पहले तस्वीर दिखाई थी, वो पिंक कलर का बैलेट पेपर किसी स्क्रीन पर आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ फर्स्ट इंडिया पर मिलेगा। और यहाँ लॉक खोलती, ईवीएम के लॉक खोलती की तस्वीरें भी फर्स्ट इंडिया सबसे पहले आपको दिखा रहा है।